हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और सोच रहे होगे कि आज ये मैडम लेट ही क्यों हुई है, क्योंकि मैं थक गई हूँ दोस्तों इतना काम कर करके। सच बताऊँ मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, और आज आपको वीडियो में सब कुछ दिखने वाला है दोस्तों, है ना। और आप सोच रहे होगे कि अभी तक मैंने खाने का क्यों नहीं पूछा, तो मैं पूछ ही लेती हूँ कि आज आप क्या क्या बनाए खाने में। मैं अपना बताऊँ, आज बता नहीं रही यार, है ना। आज मैं आपको दिखाऊंगी पूरा, ओके। तो मुंह में पानी ना आ जाए। जिस जिसके मुंह में पानी आए तो वो विदिशा आ जाए। मैं भोजन कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों को इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का भोजन जो है वो माँ और मैंने मिलके प्रिपेयर किया हुआ है, और बहुत बहुत यमी बना हुआ है दोस्तों। आपको अब आप कहोगे अपने मुंह से तारीफ करे जा रही है, अरे यार क्या करूं, लेकिन मम्मा जो बनाती है ना बहुत बहुत स्वादिष्ट रहता है दोस्तों। और क्योंकि उसमें क्या होता है कि पुराने ज़माने का जो एक टेस्ट है ना, माँ 70 साल की होगी मेरी, आप समझ सकते हो, उनके हाथ का टेस्ट। आप खुद आपके घर में भी यदि कोई बूढ़े पुराने लोग होंगे, वो लोग जो खाना पकाते हैं और आज जो हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत अंतर है। उनका स्टाइल बहुत अलग होता है, उनका पकाने का, उनका बनाने का, हर चीज़ का स्टाइल अलग होता है, और वो देसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो ही चीज़ों में स्वाद होता है। आज हम लोग जो फटाफट पड़ा, अब आपको देखिए आज जो चटनी यदि आप सिलबट्टे पर बनाते हो तो उसका टेस्ट बहुत अलग होगा, और वही आप मिक्सी में बनाते हो तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उसमें जो नेचुरल एक जो पत्थर का टेस्ट है ना वो आ जाता है। ऐसी कुछ भी बनाओ, जैसे दाल बाटी बना रहे हैं तो वो यदि ओवन में बनाओगे तो टेस्ट अलग आएगा, वही कंडे पे बनाओगे आप तो वो टेस्ट बहुत बहुत अलग होता है। ऐसे भट्टे का भरता बना रहे हो तो भरता आप कंडे पे सेक रहे हो तो वो एक देसी, ओ वाह यार मुंह में पानी आ जाएगा, ठीक है। और वो ही आप गैस पे सेक रहे हो तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको मशक्कत करना बहुत ज़रूरी है, वो मशक्कत हम और मम्मी मिलके कर लेते हैं, तो वो ही आज आप लोग को दिखा रहे हैं। आप लोग ज़रूर देखिए दोस्तों, आपको डेफिनेटली बहुत बहुत मज़ा आएगा आज का वीडियो देख के, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मम्मा भी वीडियो में आने वाली है। तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहना लास्ट में, क्योंकि मम्मा से काफ़ी टाइम से कई लोगों ने बोला था कि माँ नहीं दिखती हैं वीडियो में, माँ कहाँ आए क्या आए, तो आज माँ से भी मिल लो बहुत दिनों बाद, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख वॉच करिए। राधे राधे मम्मी, राधे राधे भाई, राधे राधे सब जनों को, राधे राधे। क्या बना रही है आज? आज हम दाल बाटी बना रहे हैंगे आज सब लोग खाने के लिए। ये क्या क्या मिलाया आटे में आपने? कुछ नहीं, सिर्फ अकेला आटा है, गेहूं का मोटा पैसा हुआ, और इसमें थोड़ा सा सोडा और नमक डाला हुआ है, और कुछ नहीं डाला। अच्छा, और ये क्या सेक रही है? ये भटे सेक रहे हैं, देखो ये, माय गॉड कितने भटों का साइज़ है। नर्मदा किनारे के भटे हैंगे भैया, और का जबलपुर से मंगाए हैं, जबलपुर से मंगाए, और का नर्मदा किनारे के भटा है जबलपुर से लाके लेके आए। देखो सब पूरा मम्मी रेडी बैठी है, तो आप लोग सब इन्वाइटेड हो भाई, आइए खाना खाइए, भोजन अभी तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ यहाँ पे कढ़ी, ये देखो ये व्हाइट वाली कढ़ी बन रही है जो दाल बाटी के साथ बनती है, और ये मसाला सेक रही हूँ मैं दाल के लिए, और दाल को मैंने बॉईल कर लिया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दाल मैंने 3 तरह की दाल ली थी आज, हाँ चने की दाल, और तो मैंने देखो ये सब बॉईल हो गया, इसमें हल्दी धना और हींग डाल के मैंने और नमक डाल के बॉईल की थी। इसमें मूंग की दाल है, चने की दाल है, तुअर की दाल है, 3 दाल मिला के आज मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, बाटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो ये सारा काम अभी चल रहा है दोस्तों, और मम्मी को आपने देखा ही कि मम्मी बाटी बना रही है। देखिए हाँ, अभी मैं इसमें ये पीस रही हूँ मैं टमाटर लहसुन अदरक, ये मैं भरते के लिए तैयार कर रही हूँ। भट्टे मम्मी सेक रही हैं, कंडे पे सिकी हुई बाटी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है दोस्तों, मम्मी ही बना पाती हैं, मैं तो ओवन में बनाती हूँ क्योंकि मुझसे बाटी कंडे पे नहीं बनती, पूरी जल जाती तो मम्मी इस सब चीज़ों में बहुत बहुत होशियार है सच में दोस्तों, बहुत अच्छे से वो कर लेती हैं मैनेज, और ये सब मेरे को नहीं आता। यहाँ पर मसाला सेकती हूँ, तो हमेशा जब भी कढ़ी बाटी भरता सब बनता है तो मम्मी का काम रहता है बाटी बनाना, और हमारा काम रहता है ये बाकी की चीज़ों को प्रिपेयर करना, तैयार करना।
और ये सब मैं आज घर के शुद्ध घी में बना रही हूँ। कढ़ी भी मैंने शुद्ध घी में बनाई है, इसमें जो तड़का लगाया है दोस्तों कढ़ी में वो शुद्ध घी का लगा हुआ है। और दाल भी मैं घी में ही बनाती, क्योंकि जब बाटी घी में अच्छे से जब वो दाल मतलब बनने के आज जब घी में डालते हैं और ये घी का ही सब कुछ होता है ना, तो एक फ्लेवर इतना अच्छा आता है दोस्तों। कभी भी आप जब ट्राई करो तो शुद्ध घी में बनाना बहुत अच्छी, दाल भी कढ़ी में छौंका भी आप शुद्ध घी का लगाना, बहुत यमी लगेगा। ठीक है तो दोस्तों मम्मी की बाटी सिकने लगी है और ये देखो कितने अच्छे से मम्मी इनको सेक रही हैं। और ये काम मैंने बोला ना सिर्फ माँ माँ कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये हम लोगों को नहीं आता है। क्यों मम्मी, हम लोग कैसी बनाते हैं बता दो थोड़ा। जली भरी और कच्ची मम्मी नहीं सकती, 17 जगह हाथ चिक जाएंगे सब हो जाएगा। ये जो मम्मी हाथ से करी ना ये हमसे बनता ही नहीं है, मम्मी नहीं चिकती क्योंकि मम्मी को बहुत आइडिया है ऑलराउंडर। हाँ देखा मम्मी खुद की तारीफ खुद कर रही, मम्मी ऑलराउंडर हो, सच में ऑलराउंडर है मम्मी, ऑलराउंडर है तभी तो हम लोगों को आया ये सब करना। तो चलिए दोस्तों मैं तो जा रही हूँ अभी किचन में, नहीं तो मेरा भाई आ जाएगा अभी चिल्लाता हुआ, जल्दी जल्दी खाना दो खाना दो। और खाना बनने में भी थोड़ा सा टाइम है, अभी मैं नीचे जाऊंगी। और ये देखो भट्टे सिक चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, इनको मैं नीचे जाके अभी छीलूंगी क्योंकि मम्मी बैठी है छत पे और मैं ऊपर नीचे हो रही हूँ बार 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 बार, क्योंकि किचन सबसे नीचे है। यहाँ पर दाल भी हो गई है और ये कढ़ी भी लगभग होने ही वाली है, काफी छनक चुकी है। और ये दाल भी देखो, अब मैं बना रही हूँ भट्टे का भरता जिसके मैंने प्याज भी चॉप करके रखी हुई है, टमाटर पीस के रखे हैं, अदरक लहसुन डाल के तेल अब गर्म हो रहा है। भरता जरूर मैं तेल में ही बनाऊंगी और इसमें बड़ी अब डालूंगी राई, मेथी, मेथी दाना जरूर डालना भट्टे के साथ और हींग डालना नहीं भूलना। ये देखिए मैं मेथी दाना डाल रही हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी मैं तल रही हूँ मिर्ची, फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने देखो मिर्ची काट के रखी है बारीक बारीक टुकड़े, और ये अचार का मसाला है जो आपके यहाँ कैरी के अचार रहता है ना, आम का अचार, उसका मसाला कैसे बनाना है मैं बताती हूँ ना। तो मसाला तो सबके यहाँ मिल जाएगा अचार का मसाला, ये तेल में गरम कर रही हूँ। जैसे ही तेल गरम हो जाए डायरेक्ट उसमें आपको मिर्ची ही डालनी है और कुछ नहीं डालना, और थोड़ा सा इनको कुरकुरा सा फ्राई करना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने फेस को भी दूर रखना नहीं तो उचकेंगे ये, अच्छे से ही उचकती हैं और मजा आ जाएगा। अब इनको मैं थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, अच्छा कुरकुरा फ्राई होना चाहिए इनको। इसमें मैं बारीक कटा हरा धनिया भी डालने वाली हूँ क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है ताजे हरे धनिए का। तो ये अच्छे से जब तक कुरकुरी नहीं फ्राई हो जाएंगी जब तक मैं इनको भी सेकती रहूंगी। और यहाँ देखो भट्टे का भरता भी रेडी हो चुका है, ये भट्टे का भरता बन चुका है दोस्तों। और दाल और कढ़ी ऊपर छत पे पहुंच चुकी है क्योंकि सभी लोग ऊपर टेरिस पे बैठ के खाना खाएंगे। हमारे यहाँ जब भी दाल बाटी बनती है दोस्तों तो हम लोग ऊपर टेरिस पर बैठ के पूरा गार्डन का मजा लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि गार्डन में बैठ के ऐसा लगता है कि बाहर कहीं गांव में गए हों और पिकनिक कर रहे हों। तो ये देखो बढ़िया फ्राई हो रही है दोस्तों, अच्छे से कुरकुरी फ्राई करना क्योंकि वो नरम होती है ना तो फिर तीखी लगती है, और आप यदि इनको कुरकुरा फ्राई कर लोगे तो ये कभी तीखी नहीं लगेंगी, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये अच्छे से फ्राई कर रही हूँ मैं इनको, डीप फ्राई कर लो बढ़िया, फिर बाद में ही मसाला मिलाना है इनमें। अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, अब इसमें मैं ये कैरी का जो मसाला था वो मसाला डाल रही हूँ दोस्तों, ये डाल दिया, साथ में हरा धनिया डाला और थोड़ा सा पिसा धना ये धनिया पाउडर ये। और जो अपन ने कैरी का मसाला डाला उससे अच्छे से खटाई आ जाती है मिर्ची में। और ऊपर से आप नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, यदि डालना हो कलर वाली मिर्च डाल दी मैंने ताकि वो अच्छा दिखता है देखने में, बढ़िया दिखूंगी। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, देखिए मिर्च रेडी हो चुकी है बढ़िया और बहुत यमी लगती है। आप इसे पूरी पराठे और कभी भी बनाइए, कोई भी दाल रोटी सब्जी बाटी जब भी बनाओ इसको जरूर बनाना, बहुत अच्छी लगती है।
तो चलिए दोस्तों, पूरा गैस वगैरह सब क्लीन कर दिया है यहाँ पर मैंने, और खाना भी ऊपर पहुँच चुका है। थाली लगेगी ऊपर, सभी लोग ऊपर ही भोजन करेंगे, तो मैं भी छत पर ही जा रही हूँ। और आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और सभी लोगों से शेयर भी करना। और जो मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तो कंटिन्यूशन में मैं काम में बिजी हूँ दोस्तों, ठीक है। और आप लोग भी आ जाइए, भोजन कर लीजिए, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज, आई कांट कंट्रोल, बिकॉज क्योंकि जब भी हमारे यहाँ दाल बाटी बनती है और बहुत ही यम्मी होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा यम्मी, क्योंकि माँ के हाथ का टेस्ट बाटी का कहीं नहीं मिलता। जो कंडे पे बाटी बनती है ना दोस्तों, बहुत ही यम्मी होती है सच में। तो चलिए अभी छत पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, खाना प्रिपेयर हो चुका है, और कड़ी भरता, ये जामफल की चटनी, ये मिर्ची तली हुई, ये टमाटर की चटनी, बाटियाँ और सैलेड, दाल, यहाँ पर भोजन चालू है। यहाँ पर मम्मी का सब चालू है, ये देखो।